ग्वालियर पुलिस ने पुरानी छावनी इलाके में दो लोगों पर फायरिंग वाले 15,000 के इनामी बदमाश मोनू तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू पर ग्वालियर और मुरैना जिले में करीब 20 केस दर्ज हैं। पुलिस मोनू से पूछताछ में जुट गई है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार सुबह दो युवकों को गोली मार दी गई थी। दरअसल अब्बू कुरेशी नामक शख्स योगेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर जबरन नॉनवेज काउंटर रखना चाहता था और इसी को लेकर योगेंद्र के अब्बू से कहा सुनी हो गई। इस बीच योगेंद्र का दोस्त शिवम पवैया भी मौके पर आ गया। शिवम ने भी अब्बू से योगेंद्र की बिना अनुमति नॉनवेज काउंटर उसके घर के बाहर रखने पर एतराज जताया। काउंटर लगाने से रोकने पर गुस्साए अब्बू ने इलाके के शातिर बदमाश हौका उर्फ मोनू तोमर को बुला लिया। मोनू ने मौके पर पहुंचते ही पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने इस मामले में मोनू और उसके साथी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। इन पर ग्वालियर पुलिस ने 5,000 और मुरैना पुलिस की तरफ से 10,000 का इनाम घोषित था। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में एक मुर्गे का जो ठेला लगाने पर विवाद हुआ था, जिस पर से जो डब्बू कुरैशी ने विरोध किया था उस घटनाक्रम का, तो उस पर से कुछ आरोपियों ने उन पर फायरिंग की थी, जिस पर से 109 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली थी कि 21 अक्टूबर को मुरैना में भी उन लोगों ने एक डॉक्टर पे हत्या का प्रयास किया था, जहां पर मुरैना में भी 109 BNS के अंतर्गत उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया था। तो इन दोनों को पकड़ने में ग्वालियर पुलिस को सफलता मिली और ग्वालियर पुलिस ने आज पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में मुखबिर सूचना पर इनको गिरफ्तार करके राउंडअप किया गया है।